आप देख रहे हैं फर्स्ट ट्रेड, मैं हूं दीपाली राणा और मैं हूं मिहिर भट्ट। लेकिन जेन एक्स बजट पर हमारी कवरेज आज भी जारी है। कल तो आपने बजट देखा, लेकिन आज इस बजट के मायने क्या है, फाइन प्रिंट क्या है और क्या बाजार के लिए इसमें कुछ और निकल कर आ सकता है, इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ आज भी कई बड़े जानकार जुड़ेंगे, लेकिन आज ये जरूर है कि जो इंटरनेशनल क्यूज हैं वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है। 8708 पर SGX निफ्टी करीब 30 पॉइंट नीचे इस समय ट्रेड करते हुए। लेकिन जो सबसे बड़ा टेक अवे इस बजट का है वो ये है कि इसमें कोई नेगेटिव नहीं है मार्केट के लिए, कम से कम कोई इस तरह की खबर निकल कर नहीं आई कि जिससे मार्केट नर्वस हो। ना ही ये पॉपुलर बजट था, सो टू दैट एक्सटेंट एटलीस्ट मार्केट थोड़ा सेफ है। लेकिन हाँ, ग्लोबल क्यूज जो है वो मिक्स्ड और उसका इम्पैक्ट कुछ हद तक मार्केट पर भी देखने को मिला। बिल्कुल, लेकिन इंडिकेटिव एक्शन की शुरुआत हुई है और शुरुआती रिफ्लेक्शन में निफ्टी थोड़ी सी वीकनेस दिखा रहा है, या फिर कह सकते हैं सॉफ्टनेस। 36 पॉइंट्स नीचे 8683 के लेवल्स पर। सेंसेक्स हालांकि अभी ऊपर है, लेकिन आज फिर से एक बार नजर रहेगी बैंकिंग स्टॉक्स पर, ऑटो शेयर्स पर, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर और रियल्टी सेक्टर, जहां पर एक जोरदार मूव कल के सेशन में देखा गया था। कंज्यूमर रिलेटेड स्टॉक्स जो है वहां पर भी खास ध्यान आज के सेशन में देना होगा कि क्या कल का मूव आज भी कंटिन्यू हो रहा है या फिर नहीं। ITC एक और स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर कल का, वहां भी एक एक्सटेंडेड मूव शायद आज सेशन में दिखे। रुपए की ओपनिंग भी इंपॉर्टेंट रहेगी और रुपया खुला भी है 67.48 के मुकाबले 67.44, यानी 4 पैसे की मजबूती के साथ रुपए की अभी ओपनिंग हुई है। लेकिन हर रोज स्टॉक्स फास्ट 50 में हम आपको 50 शेयर्स बताते हैं और जो टॉप 10 स्टॉक्स होंगे आज के वो अभी जानेंगे डिम्पी से। लेकिन इंडिकेटिव एक्शन में जो इंटरनेशनल मार्केट से क्यूज मिल रहे थे, अगर उस आधार पर देखें तो एक स्टेबल, एक फ्लैटिश रुझान अभी इंडिकेटिव एक्शन में दिख रहा है। निफ्टी 8700 के ऊपर अभी भी 8728 के लेवल्स देखे जा रहे हैं, सेंसेक्स में भी 52 पॉइंट्स की बढ़त देखी जा रही है। आयशर मोटर्स के कल अर्निंग्स भी स्ट्रॉन्ग आए हैं, रॉयल एनफील्ड के सेल्स नंबर्स भी अच्छे रहे हैं, इसीलिए स्टॉक हो सकता है कल का मूव आज भी कंटिन्यू करे। लेकिन डिम्पी के पास चलते हैं और जान लेते हैं आज के टॉप 10 ट्रेड्स। बताएं डिम्पी। शुक्रिया दीपाली। पहला शेयर होगा NBCC का, इस पे ध्यान रखें क्योंकि दो एम्स खोलने की बात फिर से बजट में की गई है और झारखंड गुजरात में होंगे तो उसका फायदा मिलेगा। NBCC पे आप ध्यान रखें, वैल्यूएशन काफी बेहतर बताई जा रही है, 280 का टारगेट होगा। क्रॉम्पटन ग्रीव्स पे भी आप ध्यान रख सकते हैं क्योंकि कल बॉल स्क्वायर और साथ ही CNC मशीन पे जो एक्साइज ड्यूटी घटी है उसका बेनिफिट यहां पे आएगा। दोनों ही सेगमेंट में कंपनी कामकाज करती है और कर्ज घटाने को लेकर भी अनाउंसमेंट कुछ एक दिनों में और आ सकती है जो कि पोस्ट बजट एक्सपेक्टेड है। 72 के टारगेट के लिए यहां पे भी आप खरीदारी करें। कमिंस इंडिया पे भी आप ध्यान रख सकते हैं, कैपिटल गुड्स के अंदर काफी स्ट्रांग मोमेंटम है और इनके नंबर्स में भी देखने को मिला जहां पे मुनाफा करीब 178 से बढ़कर सीधा 190 करोड़ के पार कर गया। इसका फायदा मार्जिन्स पे भी देखने को मिला था नंबर्स में, 900 रुपए तक के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें। चौथा शेयर होगा हेक्साबेयर, यहां पे आज बायबैक खुल रहा है और करीब 57% इक्विटी का बायबैक किया जाएगा और 240 का रेट बताया जा रहा है बायबैक का, तो इस पर आप नजर रखें। रेट ऊपर है तो हेक्साबेयर का टारगेट आज 200 रुपये का रखें, खरीदारी करें। टाटा ग्लोबल पे भी आप नजर रख सकते हैं, इसका भी मुनाफा शानदार आया है, 65 करोड़ से सीधा ट्रिपल डिजिट में 140 करोड़ का आंकड़ा पार कर गया और साथ ही अबीटा के अंदर भी हमने 170 करोड़ से बढ़कर 180 करोड़ का आंकड़ा आते हुए देखा है, तो अबीटा प्रॉफिटेबिलिटी दोनों ही यहाँ पे काफी बेहतर है। 135 का टारगेट रखें, खरीदारी की जा सकती है। डिशमैन फार्मा पे भी आप नजर रखें, USFDC इनको एक दवा के लिए इनकी एक इकाई को इनफैक्ट क्लीन चिट मिली है, इसका फायदा इसको प्राइसिंग पे आज देखने को मिलेगा, 278 तक का टारगेट होना चाहिए। बजाज फाइनेंस पे आप नजर रखें, टेक्निकल पैटर्न पे शेयर फिर से दिया गया है टेक्निकल एनालिस्ट की तरफ से, 1085 का टारगेट है, यहाँ पे खरीदारी की जाए। आठवां शेयर जो हमारी लिस्ट में है वह वर्धमान पॉली का, यहाँ पर भी आप देखेंगे वॉल्यूम के साथ कहीं ना कहीं खरीदारी है और करीब 70 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पे खरीदारी देखने को मिल सकती है आज के सेशन में भी। नौवां शेयर अनंतराज इंडस्ट्रीज है, अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर जो इंफ्रा का स्टेटस मिला है इसका फायदा इसको मिल सकता है आज भी, और रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर कुछ एक चुनिंदा शेयर्स के अंदर काफी स्ट्रांग मोमेंटम है और शायद अनंत राज के साथ आज भी जुड़ा रह सकता है, 49 का टारगेट होगा। साथ ही अरविंदो फार्मा एकमात्र ऐसी सेल कॉल है जो आज के सेशन में दी है क्योंकि US में बॉर्डर टैक्स लगाने पर कंपनी को सबसे ज्यादा नुकसान होगा, ये एक CLSA की रिपोर्ट से पता लगा, तो आप अगर कोई बेचना चाहते हैं तो अरविंदो है जिसको सेल किया जा सकता है। बिल्कुल, तो ये ऐसे स्टॉक्स हैं जिस पर आपको नजर रखनी चाहिए। लेकिन अब चलिए, बजट था और वो चला गया, लेकिन अब इस बजट का फायदा आप इक्विटी मार्केट्स में कैसे उठा सकते हैं इसकी बात करते हैं। निफ्टी करीब 36 पॉइंट ऊपर 8752 पर है। इंडिकेटिव टिक्स में देखते हैं कि गेंस कौन से स्टॉक पर है, कहां पर देखने को मिल रहे हैं, कुछ एक जो हैवी मूवर्स हैं उनको देखते हैं और साथ ही इसमें से आप फायदा कैसे उठा सकते हैं। आयशर मोटर्स है जो कि 2% ऊपर है, ल्यूपिन, बजाज ऑटो, यस बैंक, ये कुछ काउंटर्स हैं जिस पर अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। साथ ही ग्रासिम, एक्सिस बैंक, ICICI, जी एंटरटेनमेंट, ये कुछ काउंटर्स हैं जिस पर मूव अच्छा है। मानस,
इंडिकेटिव टिक्स में निफ्टी जिस तरह का मूव दे रहा है एंड क्लियरली आई थिंक कल से दलाल स्ट्रीट में यू नो एक आई वुड से अर्ज है, एम्बिशन है टू टारगेट फॉर 9,000, ये कंप्लीट होती देख रहे हैं क्या आप? देखिए बिल्कुल उम्मीद है, ज़रूर आज हमने सिंगापुर निफ्टी में थोड़ा सा गिरावट देखी और हो भी सकता है क्योंकि हमने एक डिसेंट अपमूव कल देखा है तो उसके बाद एक करेक्शन बिल्कुल पॉसिबल है, उसको आप नकार नहीं सकते, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड बिल्कुल पॉजिटिव है क्योंकि बहुत क्लियर इंडिकेशन हायर टॉप्स हायर बॉटम का दिखने लगा है और 8,560 के लेवल्स को ब्रेक करना ही अपने आप में ये समझने के लिए काफ़ी है कि जो 8,960 तक के हाईज पिछली बार बने थे वो निफ्टी बिल्कुल टेस्ट कर सकता है। तो मेरे हिसाब से तो कि कल का जो बॉटम है अब वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह प्ले करेगा, तो उम्मीद बहुत ज़्यादा है कि हम 8,950 तक के लेवल्स टेस्ट करेंगे और 8,530 के लेवल्स ब्रेक नहीं करेंगे, तो हर गिरावट पे खरीदारी करने की ही सलाह रहेगी। जी अविनाश, रियल्टी स्पेस से कोई स्टॉक आप पिक करेंगे? बजट अनाउंसमेंट्स के बाद कई सारी अनाउंसमेंट्स थी जिन्होंने बूस्ट किया इस पूरे सेक्टर को कल के सेशन में। दीपाली, हमको लग रहा है कि फ्रंटलाइन में डीएलएफ और जो मिड कैप में गोदरेज प्रॉपर्टीज, ये दोनों ही शेयर्स हमको लग रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड के रेशियो से काफ़ी अच्छे हैं। इनफैक्ट अभी आने वाले हफ्ते में आरबीआई की पॉलिसी है तो होपफुली हमको लग रहा है कि रेट कट होना काफ़ी तय है, तो ये भी डेफिनेटली एक पॉजिटिव फैक्टर रियल एस्टेट स्टॉक्स के लिए रहेगा। और जिस प्रकार का पॉलिसी रेगुलेशन हुआ है, यू नो हाउसिंग को, आई मीन एफोर्डेबल हाउसिंग को एक इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस दिया है, तो इस सेगमेंट में काफ़ी एक्शन रियल एस्टेट प्लेयर्स से हम देख सकते हैं। और ये दोनों ही शेयर्स में हमको लग रहा है कि जिस प्रकार का रिस्क रिवॉर्ड है अगर हम नेक्स्ट सिक्स मंथ्स की बात करें तो यहाँ पर डेफिनेटली निवेश का मौका है। जी, दो स्टॉक्स जो कि आज के सेशन में स्ट्रॉन्ग रह सकते हैं उसमें एक टाटा ग्लोबल बीवरेजेस, क्योंकि नंबर्स स्ट्रॉन्ग रहे हैं, मुनाफा टू फोल्ड इंक्रीज हुआ है 65 करोड़ से बढ़कर सीधे 145 करोड़, और दूसरा हेक्सावेयर क्योंकि कंपनी का जो बायबैक है वो आज से ओपन होगा और बायबैक प्राइस जो है वो 240 रुपये प्रति शेयर है। राजेश, दोनों स्टॉक्स पर आपकी राय क्या होगी आज के लिए? देखिए टाटा ग्लोबल बेवरेजेस में जो 200 डे में लेवल बनता है वो समवेयर नियर 131 है। फॉलोइंग द न्यूज़ मुझे लगता है 131 का ब्रेकआउट डेफिनेटली मिलेगा और जो इसका नेक्स्ट पड़ाव या नेक्स्ट टारगेट रहेगा दैट विल बी 137-138 लेवल। तो मुझे लगता है कि टाटा ग्लोबल कुड बी अ बाय ऑन डिप काउंटर। आपको जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो कम से कम 127 के आसपास आपको मेंटेन करना पड़ेगा। हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज में जो आपने कहा कि जो बायबैक ऑफर आ रहा है 240 के आसपास का, तो डेफिनेटली एक शार्प पुल बैक इसमें आ सकता है। आज के लिए एक लेवल रहेगा विच इज नथिंग बट इट्स 200 डीएमए लेवल दैट इज 202। 202 के ऊपर अगर निकल जाए तो मुझे लगता है एक बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग रैली आएगी और जो इसको लेके जा सकते हैं रफली आज के लिए 215 तक। बिल्कुल। इस बीच ठीक है, आज ये भी देखना होगा आपको कि कुछ जो फाइन प्रिंट्स निकल कर आएगी इसमें एक तो ओएमसीज पर नज़र रखनी होगी। एक बार ओएमसीज को देख भी लेते हैं क्योंकि कल ये जो अनाउंसमेंट आई है सरकार की कि सारे कंपनीज ऑयल कंपनीज को मर्ज करके एक मेगा ऑयल पीएसयू बनाया जाएगा, ये काफ़ी मायने रखता है। ये आप रेवेन्यू वाइज देखिए, मार्केट कैप वाइज देखिए, साइज़ वाइज देखिए, तो ये डेफिनेटली ग्लोबली टॉप 10 कंपनीज में जाएगी। इस पर हम आपको रिसर्च बताएंगे। लेकिन अब अविनाश, इस खबर के बाद जो ओएमसी स्पेस है पूरा, इस पर आपका व्यू क्या है? आई थिंक मीर, मुझे लग रहा है कि स्टैंड अलोन बेसिस पे अगर हम ऑयल मार्केटिंग कंपनीज देखें तो हमको लग रहा है कि बीपीसीएल, एचपीसीएल और आईओसी, ये तीनों ही स्टॉक्स में हमको लग रहा है कि एक अच्छी बढ़त अभी भी पॉसिबल है, क्योंकि हालांकि क्रूड के प्राइसेस में थोड़ी सी बढ़त आई है लेकिन जिस प्रकार का इनका प्रॉफिटेबिलिटी अभी डीजल पेट्रोल से बढ़ता हुआ दिखने वाला है, प्लस जीआरएम जिस प्रकार से बढ़े हैं, हमको लग रहा है कि मार्केट्स थोड़ा सा कंसर्न होगी अगर ये मेगा कंसोलिडेशन आता है, क्योंकि हमने ऑलवेज देखा है कि जब भी कोई कंसोलिडेशन होता है तभी एसेट साइज तो बढ़ता है लेकिन जो इक्विटी है वो भी बढ़ती है। तो आई वुड प्रिज्यूम दैट ये जब होगा तभी मार्केट्स ऑब्वियसली इसको क्लोजली वॉच करेंगे, बट इंडिविजुअली स्टैंड अलोन बेसिस पे जिस प्रकार का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अभी है वो मेरे ख्याल से इट डेफिनेटली लुक्स इंटरेस्टिंग। आई थिंक कंसोलिडेशन का जो पॉइंट बजट में आया है इसको मेरे ख्याल से फ्रक्टिफिकेशन के लिए भी काफी समय लग सकता है। जी, एक आईसीआईसीआई बैंक पर आज नजर रहेगी। कल सबसे ज्यादा बढ़ने वाला ये बैंकिंग स्टॉक था, 4.5% से ज्यादा के गेंस के साथ क्लोज हुआ था और यूएस मार्केट में भी जो एडीआर है आईसीआईसीआई बैंक का वो 7% की तेजी के साथ क्लोज हुआ है। लेकिन एक टेक्निकल राय ले लेते हैं मानस, नेक्स्ट लाइकली टारगेट्स क्या हो सकते हैं आईसीआईसीआई बैंक में? देखिए पैटर्न तो स्ट्रांग लगता है और कल हमें एक क्लियर ब्रेकआउट भी देखने को मिला है 275 के ऊपर,
और वो भी बेहतर वॉल्यूम्स के साथ। और आप उम्मीद करिए कि जो पिछले हाई से 298 के आसपास वो स्टॉक जल्दी टेस्ट करेगा। बट प्राइवेट बैंकिंग में जब भी आप देखिए तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा बेहतर स्टॉक इंडसइंड बैंक है, जहाँ पर एक बहुत ही क्लियर ब्रेकआउट मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे देखने को मिले। और आप उम्मीद करिए कि यहाँ पर कम से कम 7-8% के अपमूव इंडसइंड बैंक में देखने को मिलेंगे। तो बेहतर चार्ट इंडसइंड बैंक है, बट आईसीआईसी बैंक ने भी एक क्लियर ब्रेकआउट दिया, तो आप बिल्कुल कम से कम 15-20 रुपये के अपमूव की उम्मीद कर सकते हैं जी। इस बीच चलिए एक बार देख लेते हैं कि कहाँ जाकर स्टॉक्स रुके हैं। निफ्टी इंडिकेटिव टिक्स में 8 पॉइंट ऊपर रुका है 8724 पर, लेकिन स्ट्रेंथ जहाँ पर है जिन स्टॉक्स में, इसमें आयशर है, एनटीपीसी, ल्यूपिन, ग्रासिम, अल्ट्राटेक, जी एंटरटेनमेंट, ये कुछ काउंटर्स हैं जिस पर मजबूती देखने को मिल सकती है। सिमिलरली कैश में जहाँ पर अच्छा मूव देखने को मिल सकता है या फिर अच्छी वॉल्यूम्स के साथ ट्रेड होने की उम्मीद है, इसमें डिशमैन फार्मा है, ये करीब 4.25% ऊपर है। क्यूमेंस इंडिया 4.25% ऊपर इस समय दिख रहा है। सीसीएल प्रोडक्ट्स और एक काउंटर है जो कि 5.25% ऊपर है। इसके अलावा एडवांस एंजाइम्स, एसएमएल, इसुजू, एमआरपीएल, टाटा ग्लोबल बेवरेजेस, ये कुछ काउंटर्स हैं जिस पर अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। बट मैं अविनाश क्विकली, एक तो सिगरेट कंपनीज और दूसरा जो स्पिरिट कंपनीज हैं, लेकर कंपनीज, इस पर बात करना चाहूँगा। कल मार्केट को थोड़ा रिलीफ हुआ क्योंकि यहाँ पर कोई मेजर शॉकर नहीं था, पॉकेट्स में ट्वीकिंग हुई है एक्साइज में, लेकिन इसके लिए इंतज़ार होगा इन दोनों स्पेस के लिए, सिगरेट और लेकर स्टॉक्स के लिए, एक्चुअली जीएसटी रोल आउट का, बिकॉज उस समय उनके स्लैब्स डिसाइड होंगे और तब हो सकता है कि ये स्टॉक्स हैमर हो। उससे पहले इस समय अगर रैली होती है तो प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए क्या? मुझे लग रहा है कि मीर डेफिनेटली आई मीन जीएसटी के रेट्स आने के बाद बहुत लिकर एज वेल एज सिगरेट कंपनीज में थोड़ी बहुत बिकवाली ज़रूर देखने को मिलेगी, क्योंकि इनिशियल ईयर्स में डेफिनेटली जो टैक्स का पेन है वो इन कंपनीज़ को यू नो बेयर करना पड़ेगा, और जो इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस है वो काफ़ी पेनफुल हो सकता है एटलीस्ट नेक्स्ट 6-12 मंथ्स के लिए। लेकिन जिस प्रकार की एक्साइज ड्यूटी हाइक कल अनाउंस की है सिगरेट्स के ऊपर, हमको लग रहा है कि इससे वॉल्यूम ग्रोथ में कोई भारी गिरावट नहीं आएगी। आई थिंक एक्सपेक्टेशन करीबन 10% एक्साइज हाइक की थी, तो आई थिंक आई वुड प्रीफर टू बेसिकली बी न्यूट्रल ऑन द सेक्टर। मुझे लग रहा है कि दोनों ही सेक्टर्स में शॉर्ट टर्म तो मोमेंटम पॉजिटिव रहेगा। आई थिंक मेरे ख्याल से जून के बाद ही मेरे ख्याल से लिकर एज वेल एज यू नो सिगरेट कंपनीज में थोड़ी बहुत सॉफ्टनेस देखने को मिलेगी, क्योंकि मार्केट्स एज्यूम करेगा कि जुलाई में जीएसटी का रोल आउट हो, बट वो भी मेरे ख्याल से एक पॉसिबिलिटी है, वो मेरे ख्याल से आगे देखना पड़ेगा।